हल्की कोशिश कभी सही परिणाम नहीं देते। दीवार पर कील ठोकने के लिए हथौड़ा जरूरी होता है, तकिया नहीं। आप अपनी हस्ती को पहचाने, आप अपने आप को पहचाने कि आप कौन है। तो दोस्तों, हमें जहां पर जिस चीज की जरूरत होती है, हम लोग उस चीज का उसमें इस्तेमाल करते हैं। आप है यार, मैं हूं, मैं आप नहीं बन सकता। नहीं, आप मैं बन सकते हैं। हम एक दूसरे की तरह काम जरूर कर सकते हैं, पर अपने व्यक्तिगत हस्ती को नहीं खो सकते। तो क्यों ना आप ही बनने की कोशिश करें। पता है आपको, आप प्रकृति का एक अनोखा प्रोडक्ट हो, बिल्कुल अनोखा प्रोडक्ट। अनोखा प्रोडक्ट मैं तो यही कहूंगा, आप करोड़ों में एक हो। आपकी तरह भले ही लोग काम करते हो, लेकिन वो आप नहीं हो सकते, क्योंकि आप है, वह है और मैं हूं। दोस्तों, बेर खाने में जो स्वाद देता है ना, वो केला कभी नहीं दे सकता। आम का स्वाद अलग होता है और अनार का अलग होता है। तो आम आम है, अनार अनार है, और सभी के अपने अपने गुण होते हैं। प्रकृति ने भरपूर दिया है इन सभी में। उसी प्रकार हम इंसानों में भी प्रकृति ने अपार शक्ति और गुण दिए हुए हैं, बस पहचानना बाकी है। आप बने हैं अपने आप के लिए, किसी से तुलना करना बिल्कुल बंद कर दो। हमें दूसरों के विचार, उनकी कहानियां, उनकी आत्मकथाएं, कि हमें उनके विचार हमें प्रेरित कर सकती है और करती है और करती रहेगी, पर आप उनकी तरफ बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आप उनकी तरफ बनने की कोशिश कभी मत करो। आपको पहचानो यार, आपको पहचानो, सोचो कि आप क्या कर सकते हो। आप अपने आप को बदलने पर क्यों तुले हो भाई? केवल इसलिए कि समाज का एक समूह आपको पसंद नहीं करता? कब तक बदलते रहोगे अपने आप को? शुरुआत में गांधी जी, विवेकानंद, डॉक्टर अम्बेडकर, ओशो और न जाने कितने महापुरुषों को लोगों ने स्वीकार नहीं किया था, पर वे सभी महापुरुष अपने आप में, अपनी हस्ती में, अपनी पहचान में कायम रहे। उन्होंने अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं, और आगे चलकर संसार को एक नई राह दिखाई। लोगों को अच्छा लगने के लिए एक नकली संसार बनाने की कोशिश कभी मत करो। उनके सामने अच्छा साबित होने के लिए कभी भी नकली संसार मत बनाओ। दोस्तों, पानी जो काम कर सकता है वो तेल नहीं कर सकता, और नहीं कोई द्रव्य कर सकता है। लोहा जो कर सकता है वो सोना नहीं कर सकता। घास छोटा होने के बावजूद भी अपनी जगह पर कायम रहता है, पर बड़े बड़े पेड़ तूफानों में उखड़ जाते हैं। यानी कि हर चीज, हर व्यक्ति एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, और परिस्थितियां उसे विशेष रूप से प्रोग्राम करती है। कभी भी अपनी हस्ती और अपनी पहचान मत खोना यार। आप यहाँ पर आप बनने के लिए आए हैं, केवल आप, केवल आप। समय समय पर लोगों को यहाँ पर प्रकृति ने भेजा है, बुद्ध को भेजा, गुरु नानक को भेजा, पैगंबर को भेजा, क्राइस्ट को भेजा, और ना जाने कितने महापुरुषों को भेजा। उसी तरह आपको भी भेजा है, लेकिन क्यों भेजा है? आप बनने के लिए भेजा है, आप बनने के लिए भेजा है। इस ब्रह्मांड में सच में आपके जैसा कोई नहीं है, तो आप अपना बेस्ट क्यों नहीं देते हैं? आप ओरिजिनल हो यार, आप रेयर हो भाई, अतुलनीय हो जी, अनोखे हो जी, आश्चर्यजनक हो। तो फिर कुछ और होने की क्यों सोच रहे हो? तो फिर कुछ और होने की क्यों सोच रहे हो? यू आर मास्टर पीस, सो सेलिब्रेट योर यूनिकनेस। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये विचार सुनकर आपके अंदर भी जोश पैदा हो गया होगा कि आप इस दुनिया में आप बनने के लिए आए हैं। लोगों के विचार, लोगों की अच्छी बातें आपको प्रेरित जरूर कर सकती है, लेकिन कृपया करके आप अपनी पहचान खोने की कोशिश न करें। वीडियो अच्छा लगा तो बहुत से लोगों को शेयर करें, ताकि उनके भी दिल और दिमाग में जोश पैदा हो सके। धन्यवाद। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों, बहुत से लोगों को शेयर करें, और नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।